गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन हुआ, यानी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए उत्पादन हुआ और कैसे उपभोग हुआ। इन US रिकवरी वॉज क्विकर। USA में जो रिकवरी थी ना, USA में जो डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसने रिकवरी भी बहुत ज़्यादा तेजी से की। जैसा उसका नुकसान हुआ था इकोनॉमी में, उतनी ही जल्दी से उसने तेजी से क्या की, रिकवरी की उससे। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द US इकोनॉमी, और हमने देखा था कि कैसे USA ने, जो वॉर ने USA की इकोनॉमी में कैसे हेल्प की थी, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की कैसे हेल्प की युद्ध ने। After a short period of economic trouble in the year after the war, युद्ध के कुछ ही टाइम पीरियड के बाद, the US economy resumed its strong growth in the early 20th century. USA की इकोनॉमी है ना, 1920 के अर्लियर में, यानी कि शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों में, 20, 21, 22 जो भी ईयर थे ना, उन ईयर में जो इकोनॉमी थी USA की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई इसमें, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द US इकोनॉमी ऑफ द 1920s वाज मास प्रोडक्शन, और सबसे बड़ा जो फीचर था ना USA की इकोनॉमी का ग्रो करने का, वो क्या था, मास प्रोडक्शन। एक साथ वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगे, बहुत ज़्यादा उत्पादन करने लगे। द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी, बट इन द 1920s इट बिकेम द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द USA। हालांकि जो मास प्रोडक्शन के प्रति जो मूव था, यानी कि जो विचार था इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो 19th सेंचुरी के लास्ट में, यानी कि 1890-80 के आसपास इंडस्ट्रियलिस्ट सोचने लगे थे ऐसा मास प्रोडक्शन करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्शन पहुंचाना। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है। तो 1920s तक आते आते USA में इंडस्ट्रियलिस्ट इसके बारे में, मास प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे, और ये उनका क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फीचर हो गया, उस उनकी इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, विशेषता बन गई एक किस्म की। अब क्या करने लगे वो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्शन को पहुंचाना, अब उनका लक्ष्य ये हो गया इंडस्ट्रियलिस्टों का, USA वालों का स्पेशली। ए वेल नॉन पायनियर ऑफ द मास प्रोडक्शन वाज कार मैन्युफैक्चरर, और इसी मास प्रोडक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो पायोनियर का मतलब होता है जो सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा आगे था, खड़ा था, जो इंडस्ट्री थी जो सबसे आगे खड़ी थी, वो कौन सी थी, कार मैन्युफैक्चरर। कार मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, बनाना, है ना, जो कार निर्माता कंपनी थी ना सबसे आगे वो थी मास प्रोडक्शन में, ठीक है। और वो कौन थे, उसके मालिक कौन थे, हेनरी फोर्ड। फोर्ड नाम आपने सुना ही होगा, है ना, तो हेनरी फोर्ड ने, ए वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ शिकागो स्लॉटर हाउस। उसने क्या किया, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, है ना, उसने एक, है ना, असेंबली लाइन का अडेप्टेशन ले लिया है। वहाँ शिकागो में कोई स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है मीट निकालने के लिए ना, तो स्लॉटर हाउस में क्या है, एक असेंबली लाइन, जैसे ऐसे लाइन चल रही है और उसके अंदर पशुओं को जैसे लेटा रखा और उनको ऐसे कट कर रहे हैं, यानी कि उनके मीट वगैरह ऐसे निकाल रहे हैं, एक असेंबली लाइन चल रही, चेन सी, असेंबली लाइन का मतलब चेन। तो उसने क्या किया इसमें, इन विच स्लॉटर एनिमल वर पिक्ड अपार्ट बाय ब्यूचर एज दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट। उसमें क्या होता है, एक बेल्ट होती है, उस बेल्ट में पशुओं को डाल दिया जाता है और वो ऐसे चलती रहती है और वहाँ पे स्लॉटर होता है ना, उसको काटते रहते हैं, है ना, एक असेंबली लाइन होती थी ऐसा ही सेम। हाँ जी, टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉयड। और यही अडेप्टेशन उसने अपने ना, उसके डेट्रॉयड नाम की जगह है USA में,
वहाँ पे उसकी फैक्ट्री है कार मैन्युफैक्चरिंग की, वहाँ पे उसने सेम असेंबली लाइन वाला अडेप्टेशन अपनाया। क्या किया उसने वहाँ पे? ही रियलाइज दैट असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे टू प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स। और उसने यह महसूस कर लिया कि जो उसका जो असेंबली लाइन वाला जो मेथड है ना, जैसे वहाँ पे असेंबली लाइन में से चलते रहते थे वो स्लॉटर हाउस में उनको करते रहते थे, अगर यही मेथड मैं मैन्युफैक्चरिंग में कर लूँ, कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या होगा, चीफ बन जाएगा, यानी कि मेरे लिए भी सस्ता होगा और गाड़ियाँ भी जल्दी से तैयार होने लग जाएंगी। तो उसने आगे क्या किया, द असेंबली लाइन फोर्स्ड वर्कर टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कॉन्टिन्यूसली। और इस असेंबली लाइन में क्या होता था, जैसे ये असेंबली लाइन जिसमें 60 वर्कर ऐसे खड़े हैं एक जगह, तो उन वर्कर को है ना सिर्फ एक ही काम करना है। एक ही काम का मतलब क्या है कि मान लो एक वर्कर खड़ा है, उसे सिर्फ उसके पेंच ही लगाने हैं, एक वर्कर खड़ा है सिर्फ उसने उसकी टायर ही लगाने हैं, ऐसे सबने एक एक काम करना है। ये नहीं है कि एक वहाँ टायर पर लगेगा फिर उसमें, क्योंकि इसमें टाइम बच गया। अगर वही गाड़ी उस पर 10-15 वर्कर लग जाए, कोई इस पर काम कर रहा है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वो कार ऐसे असेंबली लाइन में से आ रही है और वहाँ पे वर्कर्स खड़े हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। एंड एट ए पेस सच ए फिटिंग पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार, और कार का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है वो उसमें फिट कर रहे हैं, ठीक है, एक एक व्यक्ति, एट ए पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट। और क्योंकि जो वो कार के जो पार्ट्स आ रहे हैं ना वहाँ पे उनके पास, वो उस कन्वेयर बेल्ट पे ही आ रहे हैं, ऐसे बेल्ट पे चलते आ रहे हैं उनके सामने, ठीक है। अब सीधी सी बात है, उस बेल्ट पे जो वो कन्वेयर बेल्ट पे वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और वो चलते आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पे वर्कर को भी जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ना। और काम सिर्फ एक ही करना है, मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या करना है, वहाँ पे उसके शीशे का काम करना है, आगे खड़ा है उससे सिर्फ टायर का काम करना है, उससे नेक्स्ट जो खड़ा है उससे सिर्फ क्या करना है, नट लगाना है सिर्फ उसको, ठीक है। दिस वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग ऑफ द पीस ऑफ द वर्क। और यह तरीका था कि इस स्पीडिंग ऑफ वर्क यानी कि काम की तेजी से क्या हो गया, लोगों का यानी कि जो वर्कर्स थे उसकी फैक्ट्री में, उनका आउटपुट, उनका कार्य भी बहुत ज़्यादा निकल के आया, उत्पादन ज़्यादा करने लगे, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। और क्योंकि वहाँ पे देखो बेल्ट चल रही है और बेल्ट के आगे वो खड़े हैं, तो वहाँ पे कोई भी वर्कर डिले नहीं कर सकता, न तो देरी कर सकता, नहीं यहाँ वहाँ वो कर सकता है ना, उसको काम करना ही पड़ेगा, यानी कि वर्कर की भी एफिशिएंसी बढ़ा दी उसने, मतलब उनसे काम भी हो रहा है। अब बेल्ट चल रही है, ऐसा तो है ना कि कोई वैसे रेस्ट कर लेगा, डिले भी नहीं कर सकता काम करने का। अगर एक वर्कर को वैसे बोले भाई आप ये उठा के दो, तो वो काफ़ी टाइम लगाता है, लेकिन वहाँ पे तो ना तो उसने कहा ना किसी को कि भाई आपने उठा के देना है, नहीं, वहाँ पे तो बेल्ट लगा रखे और वो चल रही है, अगर जो भी ज़रा सा लेट हो गया ना तो उसकी गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, टेक ए ब्रेक और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड विद ए वर्कमेट। न ही वो किसी प्रकार का ब्रेक ले सकता है और न ही अपने साथी वर्कर के साथ वो फ्रेंडली टॉक कर सकता है, इतना टाइम भी नहीं मिलता उसके पास, तो उस असेंबली लाइन में ऐसे काम होता था। एंड एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल, जिसका परिणाम यह है निकला कि हर 3 मिनट में एक गाड़ी निकल के आने लगी हेनरी फोर्ड की कंपनी से। देख लो कितना ज़बरदस्त काम, ये 1920s की बातें हैं, 3 मिनट में, हर 3 मिनट में एक गाड़ी, नई गाड़ी बन के मैन्युफैक्चर होकर निकलती थी, इतना ज़बरदस्त काम किया था उसने इसमें असेंबली लाइन बेल्ट से। एंड ए स्पीड मच फास्टर देन अचीव्ड बाय द प्रीवियस मेथड एंड द टी मॉडल कार वाज द वर्ल्ड फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। तो उसने स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी, हर 3 मिनट में आने लगी, उससे ज़्यादा उसने टाइम को और भी कम किया, एक एक मिनट में उसने निकाले। तो जो पहली असेंबली लाइन की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी थी उसका नाम था टी मॉडल गाड़ी, टी मॉडल गाड़ी फोर्ड कंपनी की, जो कि पहली ऐसी गाड़ी थी जो असेंबली लाइन की, असेंबली लाइन मेथड से हेनरी फोर्ड ने बनाई थी और आम लोगों की एक्सेस में गाड़ियां पहुंची थी।
ये था फर्स्ट रेवोल्यूशन कार मेकिंग का. एट फर्स्ट वर्कर द फोर्ड फैक्ट्री वॉज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन. पहले तो है ना जितने भी वर्कर थे काम कर रहे शुरुआत में तो सभी वर्कर को क्या लगा अनेबल फील हुआ कि भाई ये तो हमसे होगा नहीं. वर्कर्स को क्या लगा कि क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा ना काम पे असेंबली लाइन में खड़े हैं तो खड़े ही रहना न तो किसी से बात करनी न कुछ न ब्रेक ले सकते वो चल रहे हैं ना तो अभी काम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क और ऐसा वर्कलोड हो गया कि वो काम को रोक भी नहीं सकते काम की गति को भी नहीं कम कर सकते. वर्कर यहाँ पे क्या हो गया असेंबली लाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ रहा था उनको. सो दे क्विट इन लार्ज नंबर जिसकी वजह से ज़्यादा संख्या में हेनरी फोर्ड की कंपनी से या इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो वर्कर थे ना वो क्या हो गए क्विट कर गए कि भाई हम नहीं काम करते आपके पास आपके यहाँ तो वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियस सी बात है असेंबली लाइन में खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है काम करते रहना खड़े खड़े चाहे एक भी काम हो जैसे ऐसे खड़े हैं खड़े खड़े भी काम करना ही करना है. अब एक गाड़ी गई दूसरी आ गई हर 3 मिनट में गाड़ी आ रही थी वहाँ तो वर्कर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने क्या कर दिया उसकी इंडस्ट्री को छोड़ दिया काफ़ी ज़्यादा संख्या में. इन डेस्परेशन फोर डबल द डेली वेजेस टू $5 इन जनवरी 1914. फिर डेस्परेशन में यानी कि निराश होके हेनरी फोर्ड ने क्या कर दिया अपने वर्करों की जो सैलरी थी ना डबल कर दी उस टाइम पे. कितनी कर दी $5 $5 की सैलरी कर दी वर्कर्स की. $5 उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थे $5 बहुत हो जाते हैं आज के टाइम में बहुत है. उसने उस टाइम पे कर दिए थे वर्करों से काम करने के लिए. एट द सेम टाइम ही बैन ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लान और यही उसने क्या किया कि उसके प्लांट में यानी कि उसकी इंडस्ट्री में जहाँ पे उसका काम चल रहा है अब कोई भी ट्रेड यूनियन मिलेगी नहीं मजदूरों के संघ वगैरह नहीं बनेंगे ताकि दोबारा ना निकल जाए वो उसकी कंपनी से. हेनरी फोर्ड रिकवर द हाई वेजेस बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर टू वर्क एवर हार्डर. तो इस प्रकार हेनरी फोर्ड ने रिकवर किया ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा के असेंबली लाइन की स्पीड बढ़ा दी और प्रोडक्शन लाइन भी ज़्यादा बढ़ गई उससे और वर्क फोर्सेज को और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करा लिया उसने मजदूरों से ज़्यादा काम ले लिया. सो मच सो ही वुड सून डिस्क्राइब हिज डिसीजन टू डबल द डेली वेजेस एंड द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही मेड एवर मेड. और उसके बाद उसने जब भी इसका इंटरव्यू वगैरह लिया ना तो वो बताता था कि मेरा ना ये डिसीजन सबसे बेस्ट था जब मैंने अपने मजदूरों की वेजेस यानी कि जो मजदूरी है वो डबल करके मैंने क्या कर दिया अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट थी जो खर्चा होता था ना उसको मैंने बहुत ज़्यादा कट कर लिया. और ये सच्चाई भी है हर 3 मिनट में बंदा 1 से 3 मिनट तक जो एक गाड़ी निकाल रही है उसकी इंडस्ट्री तो कितना ज़्यादा फायदा हो गया उसको है ना. मजदूरों की सैलरी डबल करके मजदूरों को खुश करके उसने क्या कर लिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया और अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया. सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट मेथड अपना रहे हेनरी फोर्ड ने वर्ल्ड में कार मैन्युफैक्चरिंग का. फोर्डिस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस सोन स्प्रेड इन द यूएसए और यही फोर्ड की जो फोर्ड के द्वारा अपनाई गई जो इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस का मतलब जो उद्योगों में काम करने का तरीका था ना फोर्ड ने करा था वही तरीका अब यूएसए के ना बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उद्योगपति थे वो भी ऐसे ही काम कराने लगे मजदूरों को सैलरी अच्छी देने लगे उनसे काम दुगना कराने लगे आउटपुट ज़्यादा निकालने लगे. ये आउटपुट निकालने का तरीका होता है. दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920s और वहीं 1920 तक आते आते यूरोप में भी जैसे यूएसए में देखा हेनरी फोर्ड ने शुरुआत की इसकी मास प्रोडक्शन की फिर यूएसए में बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी वही मैथड अपनाया तेजी से काम कराना प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कराना और फिर वही मेथड अपनाया यूरोप वालों ने भी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी एक क्षेत्र में था उस टाइम पे अमेरिका में और यूरोप में.
मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, और मास प्रोडक्शन ने क्या कर दिया, कॉस्ट को तो कम कर दिया। उद्यमी थे ना जो उद्योगपति थे, उनका तो खर्चा कम हो गया और उनके प्राइसेस थे ना इंजीनियरिंग गुड्स के, यानी कि जो इंजीनियरिंग गुड्स थी यानी कि इंजीनियरों के द्वारा बनी गई जो चीज़ें थी, अब वो भी सस्ती होगी। जो कार पहले आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था, हेनरी फोर्ड के मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कार की वजह से क्या होने लगा, अब आम आदमी की एक्सेस में भी कार आ गई। ठीक है, थैंक टू हायर वेजेस मोर वर्कर कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार। और इसके लिए ना जो हेनरी फोर्ड ने जो वेजेस वाला जो तरीका अपनाया था ना, उसके लिए थैंक करना होगा पूरे संसार को, क्योंकि अगर मान लो वो मेथड वो उस टाइम पे नहीं अपनाता तो आज तक भी गाड़ियां एक्सेस में नहीं होती आम आदमी के, है ना। तो उसने क्या किया, वेजेस का और मोर वर्कर काम करने से कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर, जिससे कि आज की जो ड्यूरेबल कंज्यूमर है यानी कि जो घरेलू उपभोक्ता है, वो भी अब गाड़ियां लेने लगे, है ना। कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919। ये देखो 1919 की बातें हैं, इंडिया उसमें यूएसए में 2 मिलियन गाड़ियां का प्रोडक्शन हुआ, मोर देन 5 मिलियन इन 1929, और 1929 में 5 मिलियन से ज़्यादा हो गई गाड़ियां वहाँ पे यूएसए में। सिमिलरली देयर वॉज ए स्पर्ट इन परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसा ही तरीका फिर वहाँ पे हुआ रेफ्रिजरेटर्स का, वॉशिंग मशीन्स का, रेडियोज का, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ऑल थ्रू दिस सिस्टम ऑफ हायर परचेज। और ये सारा सिस्टम वहाँ पे क्या गया, हायर परचेज सिस्टम से वहाँ पे लिया गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन क्रेडिट रिपेड इन वीकली एंड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई पे वहाँ पे गाड़ियाँ मिलने लगी। ये जो ये 1920s की बातें हैं। द डिमांड ऑफ रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन्स वॉज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय द बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप फाइनेंस वंस अगेन बाय लोन्स। तो इस प्रकार अब हर कोई लोन पे हर चीज़ें लेने लगा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, हाउस कंस्ट्रक्शन, हर चीज़ लोन पे उठा के काम करने लगे। जो अब अपने इंडिया में हो रहा है ना, अब इंडिया में भी तो ऐसे हो रहा ना, लोन पे लेके सब कुछ काम कर रहे हैं अब हम, है ना। मोस्टली हाउस कंस्ट्रक्शन का काम है, रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेटर खरीदना, कोई भी नई चीज़ें लेनी है, तो हर चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, लोन चल रहा है और ईएमआई इंस्टॉलमेंट चल रही है ना। तो ऐसा यूएसए में उस टाइम पे हुआ था। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920s क्रिएटेड द बेसिस ऑफ द प्रोस्पेरिटी इन द यूएस। और इस प्रकार जो हाउसिंग का और कंज्यूमर बूम यानी कि हाउसिंग का, मकान बनाने का, और वहाँ पे जो कंज्यूमर्स का जो बूम था वो 1920s में जो हुआ था, उससे ही यूएसए की प्रोस्पेरिटी हुई। यूएसए की ग्रोथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई, उसकी ग्रोथ की वजह यही थी सबसे ज़्यादा। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम्ड क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया वहाँ पे, और हाउस होल्ड में, गुड्स में यानी कि मकान बनाने में, और जो ये चीज़ें काम में आती हैं घरेलू जो चीज़ें हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया उद्योगपति, और जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, एंड इनकम भी बढ़ी, राइजिंग कंजप्शन डिमांड, और लोगों की उनको उपयोग उपभोग करने की डिमांड भी बढ़ी, मोर इन्वेस्टमेंट एंड येट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ता रहा। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियाँ लगती रही, नई 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 चीज़ें बनाने लगे, और उनके अंदर फिर लोगों को रोज़गार मिला, और रोज़गार से उसको इनकम भी ज़्यादा बढ़ी। तो ये तरीका होता है। अब आपने सुना होगा ना न्यूज़ वगैरह में भी कहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है ना, अब वही मेथड अपना रहे जो ग्लोबलाइजेशन किया था ना आपने, वो इकोनॉमिक्स के लेसन में, इकोनॉमिक्स की बुक में जो ग्लोबलाइजेशन था उसमें यही तो था, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद ही तो ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई इंडिया में भी, है ना। तो ऐसा यूएसए ने उस टाइम पे किया था, 1920s की बातें हैं। इन 1923 द यूएसए रिज्यूम एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लीडर। और इस प्रकार 1923 के बाद
यूएसए ने क्या कर लिया, अपने कैपिटल यानी कि पूंजी पैसे को है ना ओवरसीज में विदेशों में भेजना स्टार्ट कर दिया, विदेशों में भेजना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यूएसए क्या बन गया, लीडर बन गया, ग्लोबल लीडर किसमें, इन्वेस्टमेंट में, इंडस्ट्री में। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर। और अगले 6 सालों में यूएसए का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से क्या हो गया है, उसकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हो, उसका ट्रेड भी बढ़ गया और इनकम भी बढ़ गई। और अब आप देखते नहीं कि भाई यूएसए के अंदर अगर ज़रा सा भी कोई भी चेंजेस आते हैं, अभी जैसे यूएसए के इलेक्शन ही देख लो, पूरा वर्ल्ड उसकी तरफ क्यों देख रहा है, क्योंकि यूएसए के नीतियों से, पॉलिसियों से, क्योंकि ट्रेड पॉलिसियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है वर्ल्ड, क्योंकि यूएसए का ट्रेड है ना ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसलिए यूएसए पावरफुल हुआ। और इसकी पावरफुल होने की जो शुरुआत थी ना वो 1920s थी, 20th century थी, जो ये 20th century की स्टार्टिंग में ही यूएसए की प्रोस्पेरिटी ग्रो होने लगी थी, ठीक है। ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, और हालांकि ये जो इतना ज़्यादा अच्छा हुआ लेकिन वो जल्द ही ख़त्म भी हो गया, कैसे, बाय 1929 तक आते द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू ए डिप्रेशन। वर्ल्ड कहाँ चला गया, एक डिप्रेशन में। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे निराशा वाला डिप्रेशन नहीं, इसका मतलब है मंदी, बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। और इतनी ज़्यादा मंदी आ गई कि ऐसी मंदी, आर्थिक मंदी कहीं पे भी नहीं देखी गई थी अब तक पूरे संसार ने। और वो मंदी की वजह भी यही हुई थी, मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, वो चीज़ें ऐसे ही फेंकनी पड़ी उनको, जैसे अभी हुआ था ना ये जो ऑयल के प्राइसेस थे ना, वो इंडिया में तो अलग की बात, वो प्राइसेस डाउन नहीं हुए, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड है ना अब पैंडेमिक के लॉकडाउन की वजह से जो ऑयल प्राइसेस है ना बहुत ज़्यादा फेल डाउन हो गए थे, क्यों, क्योंकि मंदी आ गई थी, लेने वाला ही नहीं था कोई भी, कंपनी वगैरह लेने वाली थी नहीं, इंडस्ट्रियल ले ही नहीं रही थी ना, मोटर व्हीकल वगैरह चल रहे थे। तो ऐसा ही सेम वहाँ पे हो गया था, इन्होंने मास प्रोडक्शन कर दिया उस टाइम पे अर्ली 1920s में, और 1930s तक आते आते फिर क्या आ गई, मंदी आ गई, पूरा विश्व आर्थिक महामंदी में झेलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में द ग्रेट डिप्रेशन, ये आर्थिक महामंदी क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।